आदाब एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम मुर्गी की टांगों की यानी कि चिकन लेग्स की रेसिपी बता रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये चार टांगें ले ली। अब मैं इस पर छुरी से कट लगाऊंगी और इनको अच्छे से धो लूँगी। ये देखिए, ये मैंने धो भी लिए हैं और इस पर कट भी लगा दिए, आप देख सकते हैं सब पे कट लगा हुआ है, ये देखिए। तो अब हम इसमें मसाला लगाएंगे। सबसे पहले मैं दही डालूँगी 2 से 3 चम्मच। ये दही डालने के बाद हम सिरका डालेंगे, ये हमने दही डाल दिया। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये लहसुन डाल दिया। अब सिरका शामिल करेंगे। आप सिरका पहले डाल दें या लहसुन पहले डाल दें कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है। तो अब मैं सिरका डाल रही हूँ इसमें। 1 चम्मच सादा वाला सिरका शामिल कर दिया। अब हम इसमें चिली सॉस डालेंगे, एक चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी। अच्छा, सिरका अगर आप नहीं डालना चाहते तो लीमू डाल सकते हैं। मेरे पास लीमू नहीं था तो मैंने इसलिए भी सिरका डाला। पिसी हुई लाल मिर्ची, थोड़ी सी मिर्चें, नमक अपने हिसाब से डालिएगा, थोड़ा सा चाट मसाला। अब नमक डालेंगे इसमें, ये नमक, नमक भी अपने हिसाब से डालिएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरह अच्छे से मिल जाए इसको, अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मसाला मिल जाए। देखिए, सब में अच्छे से मसाला लग गया है। अभी इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे चढ़ा के। ये देखिए, मसाला लगे हुए 2 से 3 घंटे हो गए मुर्गी की टांगों को। हम कढ़ाई में तेल डाल के रखेंगे। ये हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया, गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हमने इसके लिए प्याज धीमी कर दिए, यानी दरमियानी कर दिए। ये हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया है, इसमें हम ये टांगे इसमें लगाएंगे इसके ऊपर अच्छे से, इस तरह। ये देखें, लगा लिए। अब इसको हम कढ़ाई में डालेंगे फ्राई करने के लिए। ये देखें, नीचे हाथ करके हम इसे फ्राई करें। इसी तरह हम बाकी सब भी करेंगे लगा के। ये देखिए, हमने फ्राई डाल दी, फिर मिक्सर से गोल्डन ब्राउन होने लगे। अब हम ये कर देंगे, ये मिक्सर से गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम छोड़ देंगे इसे, ये देखें। ये कलर भी मेरे से रखते हैं, आपको दिखा दूँ। ये काफ़ी भी इसी तरह करते हैं। ये देखिए, हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई। अब हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे इसी तरह की। ये देखिए, मैं प्लेट में रखती हूँ। इसी तरह हम बाकी सब भी निकाल के रखेंगे प्लेट में। ये देखिए, ये मैंने सारी प्लेट में निकाल ली है और गार्निशिंग भी कर दी मैंने। टमाटर और प्याज रख के आप हरी धनिया भी डाल सकते हैं। अब आप केचप लगा के खाएँ, हरी चटनी के साथ खाएँ, या रायते के साथ खाएँ, या मेयोनीज लगा के खाएँ, बड़े मज़े के लगते हैं। तो लेग फ्राई कर लिए हमने चिकन के, तो आज हमने चिकन के लेग फ्राइज बनाए थे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में देगा आज की रेसिपी कैसे रही, चिकन लेग फ्राइज।